रहेगा। जिस तरह से नियोजन नीति रद्द करके आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आप दलील वहां दे रहे हैं, ना कोर्ट का कोई डिसीजन आया ना कोई डायरेक्शन आया, बावजूद इसके आपने जिस तरह से इस नियोजन नीति को वापस किया है, उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ वो नियोजित यहाँ के मूलवासी आदिवासी दलित छात्र है उनके साथ आपने अन्याय किया है और बिना फैसला के पहले ही उनको आपने फांसी चढ़ा दिया, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे नियोजन नीति रद्द करके और बाकी जो एंड ऑर्डर तो यही है किसी के और बाकी व्यवस्था सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से इस बार विधानसभा के अंदर बजट सत्र में इस सरकार के आंख को खोलने का प्रयास करेंगे। लोग ये मानते हैं कि राज्यपाल महोदय राज्य सरकार का संकल्प जो बढ़ा गया आज बड़ा शांतिपूर्ण से तो सुना गया, लेकिन पहले से भी किसी राज्य के लिए झारखंड जैसे प्रदेश के लिए यहाँ के प्रकृति के लिए या फिर अलग अलग डिपार्ट यहाँ के आम जन के लिए किसान के लिए मजदूर के लिए युवाओं के लिए कोई संकल्प के पीछे कोई कल्पना स्टेट का कोई प्लान कहीं से भी दिखाई नहीं दिया। ये केवल वार्षिक कार्यक्रम की तरह लगा कि जहाँ वर्ष के प्रारंभ में जब बजट सत्र आएगा तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल एक पढ़ा हुआ एक तैयार किया हुआ अधिकारियों के द्वारा तैयार किया हुआ एक पोथी की तरह। विपक्ष क्या कहेगा कि नहीं ये सच का पुलिंदा है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष के काम अब जो विपक्ष है इसका कोई भी काम रचनात्मक काम नहीं है, लेकिन हमारा ये सच है, हमारी सरकार का ये सोच है कि विपक्षियों की बातों को आना है लाना है, उनके जो सुझाव होंगे जो जनहित होंगे उस जनहित के सुझावों को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। वो भैया नीचे क्या कहना, पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से इस राज्य में भ्रष्टाचार पैदा किया, इस राज्य को जिस गर्त में ले जाने का काम किया, तो इनके पास कोई आधार होना चाहिए। विपक्ष में जो लोग हैं आज इतने हतोत्साहित हैं बेचारे कि इनको कहते हैं वो सत्ता जाने के बाद आंखों में अंधेरा छा जाना टाइप से इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अब करें तो क्या। ये तो माननीय राज्यपाल महोदया ने जो कार्य जमीन पर उतर चुकी है, लोग इसका लाभ लेना प्रारंभ कर चुके हैं, वो पढ़ा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी एक साल में इस संक्रमण में जो समय बिता उस समय का एक छोटा सा झलक था। अभी बहुत लंबा समय है, तब तक ना जाने विपक्षों का क्या हाल होगा।